कन्या, तुम सबको अपनी इच्छा का भोजन दे रही हो, क्या हमें हमारी इच्छा का भोजन नहीं दोगी? हम अघोरी साधु हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, हमें वही ला कर दो। किसी निर्दोष प्राणी को मारकर उसके मांस से भूख मिटाना अनर्थ है, पाप है, मैं ये पाप कभी नहीं होने दूंगी। अरे लड़की, हमसे विवाद मत कर, हमारी आज्ञा का पालन कर। ये एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है, जो कुछ वैष्णो माँ के भंडारे में मिलता है वही मिलेगा। तो क्या धर्म के लिए तूने ये भंडारा किया है? हाँ, वही मिलेगा। मेरा तो काम ही है धर्म का प्रचार करना और लोगों में भक्ति जगाना। लड़की, सच सच बता, कौन है तू? कौन है तू? बोल बोल, कौन है तू? बोल, बता कौन है तू? बोल। अलख निरंजन। प्रभु, प्रभु भी गायब हो गए, कन्या भी गायब होगी, मेरा क्या होगा? माँ, 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 माँ। मंद बुद्धि खल दुष्ट से अपना जुड़ा कर हाथ, मंद बुद्धि खल दुष्ट से अपना जुड़ा कर हाथ, गगन के मार्ग माँ चली पीछे भैरवनाथ, पीछे भैरवनाथ। प्रकट हुई माँ धरती पे नमन की, जय माता दी। माँ, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अभी भैरवनाथ को मृत्यु लोक पहुँचा दूँ। नहीं महाबली, आप यहाँ विश्राम करें, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माताजी, इस जंगल में बिना जल के मैं कैसे रहूँगा? आप चिंता न करें महाबली, मैं अभी स्वयं गंगा प्रकट कर देती हूँ। बाण चला महाशक्ति का, फूटी गज की धार, बाण गंगा तभी इसको कहता ये संसार, जल पिया बजरंगी ने पल में प्यास बुझी, रचनहार जगदम्बा ने लीला नहीं रची, केश धोए यहाँ मैया ने थे जिस जग उभरे, चरण पादुका कह उसको सारा जग सुमरे। हे जगत जननी, मेरे लिए क्या आ गया? महाबली, भैरवनाथ मेरा पीछा कर रहा है, मैं गर्भ गुफा में जा रही हूँ, अगर वो यहाँ आए तो उसे रोक लेना। जो आज्ञा माँ। प्रणाम माँ वैष्णो देवी, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया, धन्य हो गया देवी। मेरे लिए कोई आज्ञा माता? मैं इस गर्भ गुफा में 9 महीने तक विश्राम करूंगी, अगर कोई मेरे लिए पूछे तो उसे कुछ मत बताना। जो आज्ञा माता। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी की जय माता दी। कन्या अवश्य वैष्णो देवी ही है, परंतु मुझसे कब तक छुपेगी? एक न एक दिन ढूंढ कर ही रहूंगा मैं। जय बाबा भैरवनाथ। गुरुदेव, आप कहां चले गए थे? क्या वो कन्या कहीं मिली आपको? नहीं गोरखनाथ, नहीं, वो कन्या चंचली नहीं बल्कि बहुत चालाक निकली, हमें चकमा देकर न जाने कहां छुप गई। गुरुदेव, आप माने या ना माने, लेकिन मुझे तो इसमें श्रीधर का ही जादू लगता है, बल्कि गांव वाले तो इसे श्रीधर का ही चमत्कार समझ रहे हैं। चमत्कार? हाँ,
उस पाखंडी को समाप्त करने का यह बहुत अच्छा अवसर है। गोरखनाथ जी, तुम गांव वालों के साथ में मिलकर उसकी ऐसी कठिन परीक्षा लो जिसमें वो सफल ही ना हो सके, और जब वो सफल ही नहीं होगा तो गांव वाले स्वयं उसे मार मार कर समाप्त कर देंगे। वाह गुरुदेव वाह।